कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ चिकन वाइट ग्रेवी। ठीक है, चिकन वाइट ग्रेवी मैं थोड़ा अलग से बनाऊंगी बटर के साथ में। ऐसे आज मेरे बेटी का बर्थडे है तो उसके लिए, उसके फरमाइश पे खास बना रही हूँ मैं आज। ठीक है, ऐसे तो मेरे चैनल पे चिकन ग्रेवी, वाइट ग्रेवी का पहले भी रेसिपी है ही, और ये थोड़ा मैं हटके बना रही हूँ, जैसा उसको पसंद आता है ना वो बना रही हूँ मैं। और मैंने ये तरीका मैंने डाली नहीं मेरे चैनल पे। ठीक है, चलो उसके लिए मैं क्या क्या मसाले ली हूँ और किस तरह से मैं बनाती हूँ वो देखो आप। पहले तो 1 चम्मच भर के नमक लियो। ये मैंने मसाले जितने भी लियो ना, 1 किलो चिकन के हिसाब से लियो। ठीक है, ये मैंने 1 चम्मच भर के फुल भर के नमक लियो। ये हाफ चम्मच मैंने, फुल नहीं है, हाफ है। ठीक है, धनिया पाउडर, और ये व्हाइट चिकन मसाला है इसलिए मैंने थोड़ा सा, ये दखनी मिर्च भी बोलते हैं इसको, व्हाइट पेपर पाउडर भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी मैंने आधा चम्मच लिया। ये गरम मसाला जो होम मेड है ये भी मैंने आधा चम्मच लिया। ये टूटे हुए काजू है, मतलब एक में से दो टुकड़ा हुआ है, जैसे मान लो 15 काजू लिए मैंने। ठीक है, और थोड़ी सी कसूरी मेथी, और ये अमूल बटर है, ये 50 ग्राम मैंने अमूल बटर लियो। ये अमूल की फ्रेश क्रीम है। ठीक है, अमूल की फ्रेश क्रीम और अमूल का ही मैंने बटर लियो। और ये मैंने हरी मिर्च लियो। हरी मिर्च आप अपने तिक्की के हिसाब से ले सकते हैं, मैंने मेरे हिसाब से लियो। मान लो ये 10 से 12 हरी मिर्च लियो, थोड़ा सा हरा धनिया है, और ये प्याज है। प्याज का इसमें ज्यादा इस्तेमाल होता है इसलिए मैंने प्याज ज्यादा लियो। प्याज के मेरे 6 गड्ढी है, मैंने इस तरह से रफली काट के लियो। और ये थोड़ा सा अदरक लहसुन है, ये देखो, इससे मैंने 2.5 चम्मच अदरक लहसुन लियो। मेरा लिक्विड में है इसलिए मैंने 2.5 चम्मच लियो, अगर आपका लिक्विड में नहीं है तो आप 1 चम्मच में काफी हो जाएगा। ठीक है, अभी ये सब मैंने मसाला ना थोड़ा सा मेरे को इस साइड में करके, ये मैंने चिकन की मैंने बोटी बड़े बड़े रखी हूँ पीस। ठीक है, ये देखो इस तरह से बड़े बड़े रखी हूँ, जिस तरह से हम लोग लेके आते हैं उसी तरह से मैं बड़े बड़े रख देती हूँ, और लेग पीस ऑन कुछ भी नहीं ली मैंने इसमें। ठीक है, अभी इसके अंदर ना मैं ये थोड़ा मसाला लगा देती हूँ, थोड़ा सा आधा नमक अभी डालूंगी, आधा बाद में डालूंगी। ठीक है, थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल देती हूँ, दखनी मिर्च, ये है दखनी मिर्च, टेस्ट भी अच्छा देता है और कलर के हिसाब से भी थोड़ा व्हाइट में रहता है ना, व्हाइट बना रही इसलिए व्हाइट के लिए मैं डाल रही हूँ। ठीक है, ये देखो मैंने 1.5 चम्मच इसमें डाली है। अभी थोड़ा सा बटर लगा दूंगी, बटर आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। मैं थोड़ा बटर में बना रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी को ज्यादा पसंद है ना, इसके लिए इसको अच्छे से मिक्स करके लेती हूँ। इसमें मैं नींबू का रस, मैंने आपको यहाँ नहीं दिखाई, एक नींबू का रस भी काट के डाल। देखो मैंने ये चिकन को नींबू दही इसको लगा के लिए अच्छे से। ठीक है, दही मैंने आपको दिखाई नहीं थी, दही भी ली थी मैंने 200 ग्राम। ठीक है, मेरा दही खट्टा था इसके लिए मैंने 200 ग्राम लिया। अगर आप चाहो तो कम या ज्यादा कर सकते हैं, मतलब 1 किलो के हिसाब से मैंने परफेक्टली, अपने ऊपर चॉइस रहती है ना, खट्टा खाना कम। ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है। इसके लिए मैं इसको साइड में रखूंगी। यहाँ पे मैंने एक पैन रखी हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं बटर डाल के ये जो प्याज है ना, प्याज डाल दूंगी मैं। ये प्याज, मिर्ची और काजू हमें थोड़ा सा भून के लेना है, मतलब थोड़ा सा प्याज और मिर्ची को, काजू को नरम कर लेना है। ठीक है, और 2-3 प्याज मिर्ची बचोंगे मैं गार्निशिंग के लिए। ठीक है, इसको अच्छे से काजू भी डाल देंगे। आप चाहो तो इसके जगह पे ये भी डाल सकते हैं, पानी। ठीक है, लेकिन बटर में और इसमें मेरे को हल्का सा खाली भूनना है इसको, नरम करना है प्याज को, हल्का सा इसका कच्चापन जाए। ठीक है, अगर मेरे को ऐसा लगेगा, जरूरत लगेगी तो मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। प्याज को जलाना नहीं है और ना ही कोई कलर देना है हमें। ठीक है, इसको मैं ढक के पकाऊंगी क्योंकि 10 से 15 मिनट इसको, 10 से 15 मिनट से भी 10 मिनट बहुत होगा इसको, क्योंकि प्याज को स्लो गैस पे कलर नहीं देना है ना हम लोग को, इसके लिए इसको 10 मिनट खाली इसी तरह से ढक के। प्याज मेरे हो चुके हैं, मैंने थोड़ा सा पानी डाली थी, ज्यादा नहीं डाली, मान लो एक छोटा सा, एक इतना सा कप डाल दी। ठीक है, ताकि हमारी प्याज जले ना और जो काजू इस तरह से ब्राउन हो रहा था ना, ब्राउन ना हो। ठीक है,
ये पानी पूरा सुखा दी मैंने, अभी इसको ठंडा करके बारीक ये अदरक लहसुन भी डाल के मैंने पेस्ट बना के दी थी। देखो ये इसमें मैंने वही पैन ली, मैंने उसमें तेल चढ़ाई हूँ, ठीक है, तेल डाली मैंने। अब ये जो मैंने चिकन जो मैरिनेट करके रखी थी ना, ये चिकन को ऐसे इसका मसाला इस तरह से थोड़ा झाड़ के हम लोग ये चिकन में डाल देंगे, सॉरी तेल में डाल देने का चिकन को। ये तरीका थोड़ा इस तरह से पहली जो है वो डायरेक्ट बनाते हैं, ये तरीके से थोड़ा बनाएंगे ना माशाल्लाह चिकन बहुत अच्छा बनता है, वाइट ग्रेवी, ठीक है, एकदम हम लोगों को जैसा रेस्टोरेंट में इसमें खाते ना वो फील होता है। ये मेरे पैन में ये पूरे पीस आ जाएंगे, ये मैं पूरा मेरे पैन में रख दूंगी। देखो इसमें का चिकन मैंने पूरा मेरे पैन में बटा दी इधर, ठीक है, ये पूरा चिकन बैठ गया। अभी इसमें जो ये बचा है ना हमारा मसाला जो दही के साथ में, ये पूरा हम लोग ये मिक्सी के जार में डाल के, क्योंकि दही का है ना, मिक्सी के जार में डाल के एक जान करके लेंगे, ठीक है। देखो ये मसाला मैंने पीस के लिए, इसमें कोई पानी नहीं डाली मैं, ठीक है, जो मैंने मसाला बचाई थी ना वो मसाला डाली हूँ और जो प्याज का पानी वही बस, ठीक है। इस तरह से बारीक एकदम बारीक पेस्ट बना के, ठीक है, एकदम सॉफ्ट। अभी यहाँ पे मेरा चिकन भी देखो, मैंने इसको अभी तक टच भी नहीं करी हूँ, अभी आपके सामने ही टच करूँ। बिस्मिल्लाह, देखो माशाल्लाह से, बस हम लोग को इसी तरह से फ्राई करके लेना है और चिकन का लगभग भी पानी भी सूखा। अब मैं इसे फास्ट गैस पे ही कर रही हूँ क्योंकि हम लोग को ग्रेवी को अभी पकाना भी है ना, तो ग्रेवी में पक जाएगा चिकन, अगर जैसा 30 मिनट भी पक जाएगा तो भी काफ़ी है हमारा इस तरह से फ्राई, ठीक है। बाकी का हम लोग को तो मसाले में पकाएंगे ही हम लोग। देखो दिख रहा है आपको किस तरह से ब्राउन, ये फ्राई करने का मतलब ही मेरा इस तरह से था कि चिकन हमारा बहुत टेस्टी होता है। अरे इस तरह से पूरा चिकन पलट के और इसी तरह से पूरा फ्राई, चिकन मेरा माशाल्लाह से हो गया है, ठीक है, दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गया है। ये ज़्यादा इसको फ्राई भी नहीं कर रहे क्योंकि वाइट ग्रेवी है ना, ज़्यादा ग्रिल भी करेंगे तो हम लोग ये नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगता ना हमारा। ये देखो दोनों तरफ से ये हल्का हल्का ब्राउन हो गया और ये मान लो देखो 30% तक गल गया, ठीक है, बाकी का जो भी है हमारा आगे इसमें गल जाएगा। इसको मैंने पूरा निकाल के ली थी इसमें, ये पूरा कटोरे में इस तरह से पूरा निकाल के और इसको मैंने कटोरे में पूरा गोश्त निकाल के लिए, सॉरी भुना हुआ हमारा चिकन निकाली, इसके ऊपर कोयला रख के इस तरह से इसको फटाफट धुआं दे देने का, ठीक है, ताकि एक अच्छी सी स्मोकी फ्लेवर की हमारी बन जाए ग्रेवी, ठीक है। अब ये देखो ये मैंने वही तेल ली जिसमें मैंने चिकन अभी फ्राई करी थी, ठीक है, उसी में मैं अब ये जो मसाला बचे ना ये डाल देती हूँ, पूरा अच्छी सी मसाला निकाल के डालने का, ठीक है, और ये नमक और गरम मसाला सब ये सूखे मसाले ही ना, ये पूरे डाल देने एक साथ। इसमें तेल मैं हाँ थोड़ा डालूंगी, ठीक है, क्योंकि मेरे बेटी को थोड़ा सा ऑयली चीज़ ज़्यादा पसंद है, ये बेटी को, इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, मिक्स करके इसको थोड़ा सा भूनने दूंगी ताकि हमने जो सूखे मसाले ऊपर से डाले ही ना, ताकि उसका भी जो कच्चापन है ना वो चला जाए और ये मसाला हमारा एक जान हो जाए, सब तो ऑयल मसाला सब एक जान हो जाए। मसाला मेरा माशाल्लाह से बहुत अच्छा भुने गया है, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो मसाला बहुत अच्छा हो गया है मेरा, जिस तरह से मेरे को चाहिए उस तरह से पूरा हो गया। अभी जो मैंने चिकन का जो रखी थी ना, इसको प्लेट को साइड में करके चिकन पूरा डाल देती हूँ, ठीक है, इसमें पूरा चिकन डाल देने का, और जो खुशबू आती है ना ये बहुत अच्छा बनता है चिकन। एक बार आप मेरे तरीके से एक बार बना के देखो, हमेशा याद करेंगे कि कितना अच्छा बना करता है। अभी ये जो मैं दूध है, आप ग्रेवी जैसा इतना थिक तो नहीं, वाइट ग्रेवी बना रही हूँ ना तो मैं थिक नहीं रखूंगी, दूध डालूंगी उसके जगह पे, पानी आप चाहो तो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं पानी की जगह पे दूध डालू, ठीक है, ताकि मेरे, और अभी इसमें क्रीम भी जाएगी थोड़ी देर में। ये जो मैं क्रीम ली हूँ, मेरे क्रीम यह मतलब 1.25 किलो का है ना, तो मैंने 200 ग्राम ली, थोड़ी सी बचाई हूँ उसमें की, क्योंकि इतनी ज्यादा नहीं अच्छी लगती, दूध भी डालूंगी ना मैं।
और ये इतनी अच्छी बनती है डिश कि बहुत अच्छी बनती है माशाल्लाह। अभी इसको कसूरी मेथी डाल के, अभी इसमें मसाला कोई भी नहीं जाएगा, नमक चक के, ठीक है। अभी इसमें कुछ नहीं करना है आपको, खाली नमक चखना है और आपको सर्व करना है। मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, एक 5 मिनट खाली अभी रुकूंगी ताकि मेरे चिकन में थोड़ी सी कसर बाकी है ना, और थोड़ा गाढ़ी भी हो जाएगी और चिकन और दूध मेरा पक भी जाएगा क्रीम के साथ। माशाल्लाह से मेरी ग्रेवी पक गई पूरी माशाल्लाह अच्छे से पूरा। अभी ये जो बटर मैंने बचाई थी ना, अमूल बटर, ये भी डालूंगी, क्योंकि बटर का एक अपना ही एक टेस्ट आता है। इसके लिए बटर मतलब ऑप्शनल है, अगर आप ज़्यादा ऑयली खाते हैं तो खा सकते हैं, डाल सकते हैं, नहीं तो फिर जैसा इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो माशाल्लाह से अच्छी से पक गई मेरी। अब ये जो हरा धनिया मैंने ली थी ना, थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी, थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ मैं, ठीक है। अब अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं। अभी मैं आपको ये सर्व करके दिखाऊंगी। ये आज मैं बनाई हूँ वाइट चिकन ग्रेवी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही होंगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने फैमिली और दोस्तों में भी शेयर करो, और आपको कोई नई डिश चाहिए तो मुझे कमेंट करो, इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊंगी, ठीक है। फिर मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।